कोरबा के ACCL दीपका साइलो CHP से निकाले गए मजदूरों से पैसे की मांग करने की शिकायत मजदूरों ने दीपका थाना में की है। कुछ माह से ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण संघ दीपका साइलो CHP से निकाले गए मजदूरों को नौकरी में वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब ताजा मामला मजदूरों से पैसे की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में एक वीडियो भी शिकायत के साथ दीपका पुलिस को दी गई है। ठेका कंपनी द्वारा मजदूरों से पैसे की मांग कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस मामले में दीपका थाना में लिखित शिकायत की गई है। कार्रवाई नहीं होने पर संघ सड़क की लड़ाई लड़ने को बाध्य होगा। मन के जे रोजी है, ओकर बाद हमन मान ले अगर तोर पैसा जे रोजी हमर से तय हो गया, ओकर बाद अगर कुछ पैसा दे दूं तोर तो रिटर्न करे में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि बिना ओकर नहीं बने। पैसा कौड़ी के तो बात नहीं है भैया। कैसे बात नहीं? पानी रेट पानी पता नहीं है भैया। नहीं, 300 रुपया सबका फिक्स, उधर से नीचे से लेके हम लोग, इसीलिए उधर बोल रहा था कि ज़्यादा है कम है। हम लोग क्लियर रहमान को बोल दिए थे कि सबका एक टाइप का रहेगा। रहमान बोला भी कि नहीं, उन लोगों को पता नहीं चलेगा, उस टाइप का काम हम लोग नहीं करेंगे। सबको पता चलेगा, पता चले ना चले हम उस पर जाएंगे ही नहीं। सबका रेट चूंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है, पहले दो कॉन्ट्रैक्ट था तो अलग बात था, अब सब बराबर है। नहीं रे, उधर इधर सबका बराबर है। वो तो उन लोग का समस्या है सर। नहीं नहीं, सबका बोल दिया है, उन लोग का नहीं है। पहले तो हमको 325 मिलता था। नहीं, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले 325 मिलता था। अच्छा, कम मिला तो 280 के आसपास मिलता था। हो, अभी उन लोग का 300। हम लोग दोनों को बराबर कर दिए हैं, ये एकदम, ये नहीं कि उसको ज्यादा इसको कम। लंबे समय से साइलो CHP में निकाले गए मजदूरों को लेकर के ऊर्जाधानी भूविस्थापित संगठन भरपूर विरोध कर रहा है। 3 से 4 घंटे साइलो और CHP को बंद किया गया था, उसमें आज तक हमारे मजदूर कुछ हद तक लगे हैं, बाकी बचे हैं। अभी सामने में ये बात आ रही है कि लंबे समय से, पिछले 7-8 सालों से जो साइलों में मजदूर काम कर रहे थे, उन्हीं के बीच में मजदूर की श्रेणी में काम करने वाले कुछ ऐसे ठेकेदार, दलाल नुमा ठेकेदार हैं जो LPC रेट पर पेमेंट जो मजदूरों के खाते में आते हैं उनसे ज़बरदस्ती उनका पैसा दबावपूर्वक निकालते हैं या उनको हटा देते हैं। अभी वर्तमान में एक बात सामने आई कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के 11-15 मजदूरों के खाते में LPC रेट पे पेमेंट आया है, उसके ऊपर भी उन लोग मानसिक दबाव देकर के पैसे की मांग कर रहे हैं। एक आज हमने इस मामले को लेकर के स्थानीय थाने दीपका थाने में एक शिकायत दर्ज की है, जिसमें हमने एक वीडियो फुटेज भी माननीय थाना प्रभारी को दिया है। साफ तौर पर उस वीडियो में ये बातें स्पष्ट हो रहे हैं कि किस तरीके से मजदूरों को उनकी बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए उनसे पैसे की मांग की जा रही है, उनको दबाव बनाया जा रहा है कि इतने पैसे में काम करो या तो यहाँ से निकल जाओ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो मजदूर हैं, ये यहाँ के मूल भूविस्थापित मूल निवासी हैं, इतनी तकलीफें झेल रहे हैं, पूरे पैसे प्रदूषण यही झेल रहे हैं, काम यही कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। एक प्रकार से केंद्र सरकार भी कहती है कि मजदूरों को उनके हक अधिकार के लिए जो HP रेट है उस रेट में इनको भुगतान किया जाना है, भुगतान किया भी जाता है, लेकिन बीच के पदभ्रष्ट लोगों के द्वारा उन गरीबों का शोषण करके उनके पैसे का आहरण कर लिया जाता है। तत्काल इन दोषी व्यक्तियों के ऊपर तत्काल FIR दर्ज किया जाए। अगर शासन और प्रशासन इसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करती इसकी जांच उपरांत, तो मजबूर होकर के संगठन को सड़क पर उतरना पड़ेगा और सड़क की लड़ाई इन दोनों के लिए गंभीर होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट।